वो 37 जो कौन लोग हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उसमें सिर्फ इसलिए दी गई थी कि SEZ नहीं खोलने थे उनको। आखिर में 5 साल 10 साल के बाद उनकी मंशा ये थी कि दिल्ली के चारों तरफ, अगर आप SEZ हरियाणा के देखेंगे तो 99% SEZ दिल्ली के चारों तरफ खोलने की बात थी, और अल्टीमेटली वो ये चाहते थे कि 5-7 साल के बाद ये कहा जाए कि SEZ तो चल नहीं सकता, इसलिए हमारी जमीन को कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूज में CLU के माध्यम से चेंज कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। और दूसरा जिसकी बात आज नितिन जी ने कही, हरियाणा में 19,600 एकड़ जमीन जिसका सेक्शन 4 हो चुका था और कहीं कहीं सेक्शन 6 भी हो गया था, दोनों तरह का सेक्शन जब फ्लोट किए गए तो नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर्स, डेवलपर्स और बिल्डर्स, उनको ये कहा गया कि आप अब किसान से नेगोशिएट कर सकते हैं और वो आपको घबरा के जमीन दे देंगे कि लैंड एक्विजिशन में कंपनसेशन पता नहीं कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा या कितनी देर में मिलेगा, तो आप उनसे नेगोशिएट कर लें। और ये जो नेगोशिएशन हुई उसके बाद 4,600 एकड़ का 187 CLU दिए गए और 187 के 87 CLU उन लोगों को दिए गए जिन्होंने उन किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव ली थी, जिनको ये डर था कि हमारी जमीन अब अधिग्रहण होगा, चली जाएगी। इससे बड़ा स्कैंडल हरियाणा में हो नहीं सकता कोई। इसलिए अभी CBI ने एक केस दर्ज किया, उसमें 1600 करोड़ रुपए की जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू 1600 करोड़ थी, वो 100 करोड़ में सौदा किया गया। यानी सरकारें लैंड एक्विजिशन के लिए तो हमने सुनी थी, लेकिन दो पार्टियों में, प्राइवेट पार्टियों में नेगोशिएट कराए कि ये तुम खरीद लो और ये तुम बेच दो, इससे बड़ा। और जब CBI इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तो आपको पता लगेगा कि कौन लोग हैं जो सरकार में बैठ के, ऊंचे पदों पे बैठ के, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और वो नेगोशिएट करवा रहे हैं प्राइवेट पार्टीज को। तो इससे बड़ा मैं तो इतना ही कहूंगा कि यही पैटर्न सारे हरियाणा में रहा और इसी पैटर्न की वजह से किसानों की 80,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि मेरा अपना जिला दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, वहां तो 1 एकड़ का भी अधिग्रहण नहीं हुआ, और दिल्ली के चारों तरफ 50-60 किलोमीटर में 80,000 एकड़ जमीन में से 63,000 एकड़ ऑफ लैंड वॉज एक्वायर्ड ओनली इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ द लैंड ऑन द पेरिफेरी ऑफ पंचकूला एंड चंडीगढ़। दिस इज हाउ द फार्मर्स वर लूटेड बाय दिस गवर्नमेंट। तो आज वो जैसे कहा के पगड़ी लगा के, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी आप, मैं कहता हूं कि हिसाब दें वो। हमने यहां तक के प्रोविजन किए थे एक्ट में कि कोई भी हम भूमि अधिग्रहण करेंगे, पहले तो ये एंश्योर करेंगे कि उसमें कोई मल्टी क्रॉप लैंड का अधिग्रहण ना हो, और दूसरा हमने क्राइटेरिया ये रखा था कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जमीन का अधिग्रहण हो जिसपे सिंचाई या एग्रीकल्चर का काम नहीं होता हो। लेकिन दिल्ली के चारों तरफ जो जमीनें अधिग्रहण की गई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि स्पेकुलेशन के लिए, कि उन लोगों को दी जाएं जिनसे कि वो पैसा ऐंठ सकें, ऐसा हुआ है। और ऐसे मैंने जैसे कहा कि इस केस में ही पता लगेगा, मैं तो यहां तक कहता हूं कि 10 साल का पूरा जितनी भूमि अधिग्रहण हुई है उसका पूरा
सरकार से भी हरियाणा सरकार से भी हमने कहा कि इसका ये नहीं है कि एक सेक्टर का आप जांच कराएं या कुछ सेक्टर्स की जांच कराएं, बल्कि जहां जहां भूमि अधिग्रहण हुई सभी की जांच होनी चाहिए। ये इससे पता लगेगा कि ये कितने किसान हितैषी हैं। और आज बात करते हैं किसान के हितों की। इन्हीं लोगों ने मुझसे आके, गडकरी जी से आके, पर्सनल आके ये कहा कि अगर आपको इसी एक्ट को चलाना है तो एक एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण नहीं होगा। और जब सत्ता से दूर हो गए तो कहते हैं हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक भूमि अधिग्रहण के हमारी जो अमेंडमेंट्स जो हम लेके आए थे उसमें भी रैली के बाद भी और रैली के अंदर भी भाषण ये थे बड़े नेताओं के कांग्रेस के कि हम किसी भी शर्त पे आगे कभी भी भूमि अधिग्रहण के ऊपर कोई सहमति नहीं जताएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं के एमपीज लोकसभा में ये कहें कि इस देश में 20 करोड़ युवा युवतियां जो गांव में रहती हैं उनको नए रोजगार की जरूरत है, खेती पे उनका गुजारा नहीं चल रहा, और दूसरी तरफ उनके खुद की आर्गुमेंट और दूसरी तरफ ये कहें कि हम किसी भी शर्त पे भूमि अधिग्रहण के मामले में कोई बात नहीं सुनेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके मन में सिर्फ राजनीति थी और राजनीति है, और वो इसलिए है कि खुद ये मानते हैं कि हम कहीं से निकल के अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश करें, लेकिन खुद कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि मेरे पास तो सब आते हैं, वो कहते हैं जब तक ये सेटअप रहेगा जो हमारे ये हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये तो इनकी सोच है। ओके, नो पर